अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है हम सबके? सब खैरियत से हैं? दैट्स ग्रेट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में द क्रू मर्डर केस, जो कि यूनिट नंबर 4 है ऑक्सफोर्ड मॉडल इंग्लिश का, उसका पेज नंबर जो पेज 747 था, उसको आज हम कवर करेंगे। उसकी जो टेक्स्ट था वो रिमेनिंग था। और इससे पहले मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पेज नंबर 45 और 46 पे जो टेक्स्ट था उसकी रीडिंग करके बताई थी और उनके मीनिंग्स भी आपको एक्सप्लेन किए थे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टोरी के बारे में भी बताया था कि जो क्रू था वो एक नॉवल जेंटलमैन, एक बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन था, और उसका जो कत्ल होता है बहुत ब्रूटली किया जाता है, जो कि मिस्टर हाइड करता है। और मिस्टर हाइड एक विकेट पर्सन है जो कि हेनरी जैकिल डॉक्टर था, और उसने एक अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, एक मेडिसिन जो है वो यूज़ की, वो इस्तेमाल की, जिसकी वजह से वो जो है मिस्टर हाइड में चेंज हो गया। अब वो मिस्टर हाइड, चूंकि डॉक्टर हेनरी जैकिल वो बहुत एक नोबल पर्सन था, जब वो मिस्टर हाइड में चेंज हुआ तो वो एक विकेट पर्सन बन गया। अब वो विकेट पर्सन जो है बात बात पर गुस्सा करता है और बात बात पर लोगों को जो है वो मारता है, और ज़रा सी बात पर बहुत एग्रेशन दिखाता है। अब उस कत्ल, जो कि क्रू का कत्ल हुआ था, तो उसकी इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए मिस्टर अटरसन, जो कि एक लॉयर है और जो एक इंस्पेक्टर था, जो कि स्कॉटलैंड का इंस्पेक्टर था, वो इंक्वायरी के लिए मिस्टर हाइड के घर में जाते हैं। तो पेज नंबर 47 पर वो मिस्टर हाइड के घर जाते हैं, वहां पर एक मेड होती है और उससे इंक्वायरी करते हैं। इवन घर को भी है वो, घर में जो चीजें होती है उसको भी सर्च आउट करते हैं, घर की तलाशी लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये पेज नंबर 47 पर है। चले हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पेज नंबर 47 की जो फर्स्ट लाइन है, देखिए, इट वॉज बाय दिस टाइम अबाउट 9 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह 9 बजे का वक्त था, एंड द फर्स्ट फॉग ऑफ द सीजन हंग इन द स्ट्रीट्स, और गलियों में जो है वो उसमें शर्मा की पहली जो धुंध है वो पड़ रही थी। द कैब रोल्ड स्लोली थ्रू द डार्क ट्रेडी स्ट्रीट्स एंड मिस्टर अटरसन फेल्ट ग्लूमी। अब यहाँ फर्दर ये बताया जा रहा है कि जो कैब थी जिसमें इंस्पेक्टर और मिस्टर अटरसन थे, वो बड़ी आहिस्ता से चलती हुई बड़ी वैरान गलियों में से गुजरी, और इस बात पर जो है मिस्टर अटरसन जो कि लॉयर था वो बहुत ज़्यादा फेल्ट ग्लूमी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो उसने डर महसूस किया, उदास हुआ, परेशान हुआ गलियों के वैराने को देखकर, क्योंकि वहां पर जो है फोग थी, तो फोग की वजह से कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी और गलियाँ बहुत वैरान थी। तो मैं यहाँ स्टूडेंट्स मीनिंग लिखती हूँ, एक तो ड्रेरी का, ड्रोरी का मतलब है होफनाक या तारीख। उसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज एज द कैब ड्रू अप बिफोर द एड्रेस इंडिकेटेड। अब जो एड्रेस, जो पता बताया गया था, उसी पते पर जो है कैब रुक गई, एंड द फोग लिफ्टेड अ लिटल, और फिर जो है थोड़ी सी जो धुंध है वो आहिस्ता हुई कम हुई, एंड शोड हिम अ डिंजी स्ट्रीट, अ ग्रबी हीटिंग हाउस, एंड उसके बाद है अ फ्यू शॉप सेलिंग चीप गुड्स, मैनी रेगेड चिल्ड्रन हडल इन द डोरवेज, एंड मैनी पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज पासिंग बाय। पर तो ये बताया जा रहा है कि जो कैब है वो अपने जो पता था बताया गया मिस्टर हाइट के घर का, वहां पर वो रुकी, और जो है आई फोग जो है जो धुंध थी वो थोड़ी कम हुई उसके बाद, एंड शोड हिम अ डिंजी, डिंजी कहते हैं तारीख रास्ता, और यानी कि जो बहुत ज्यादा गंदा हो, और एक गंदी सी गली थी जहां पर गाड़ी जो है रुकी, अ ग्रबी ईटिंग हाउस, और ग्रबी ईटिंग हाउस का मतलब है यानी कि जो एक ऐसी बिल्डिंग थी जहां पर जो है फूड वगैरह तैयार किया जाता था, अ फ्यू शॉप सेलिंग चीप गुड्स, और कुछ जो है दुकानें वहां पर जो कि बहुत सस्ती अशिया चीजों को बेच रही थी, मैनी रेगेड का मतलब होता है कि फटे पुराने कपड़ों में कुछ बच्चे थे, हडल इकट्ठे हुए इन द डोर वे दरवाजों। यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्या मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे हैं वो कहाँ पर इकट्ठे हुए? दरवाजों की दहलीजों पर जो है वो इकट्ठे हुए, एंड मैनी पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज, और मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे वहां पर रह रहे थे, पासिंग बाय यानी कि गुजरे, एंड द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे द फोक सेटल डाउन अगेन अपॉन दैट पार्ट, और फिर अगले लम्हे फिर से जो है धुंध वो छा गई उसी से पर,
एज ब्राउन एज अंबर। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फोग जो धुंध थी वो किस तरह की थी, वो एक मिट्टी के रंग की थी, यानी कि ब्राउन कलर की थी, जैसे लकड़ी का कलर होता है या मिट्टी का कलर होता है। अब वो ब्राउन रंग की इस वजह से थी क्योंकि उसमें गर्दो गुबार जो था वो मिक्स्ड था, तो इस वजह से जो है ब्राउन रंग की यानी कि भूरे रंग की जो फोग लग रही थी, जो धुंध थी वो दिखाई दे रही थी। एंड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज लोली सराउंडिंग। अब जो है इस धुंध की वजह से वो जो गरीब सा इलाका था जहां पर मिस्टर अटरसन और इंस्पेक्टर गए थे, वहां से वो कट ऑफ हो गए उस एरिया से, उस जगह से। दिस वॉज द होम ऑफ हेनरी जैकल्स फेवरेट। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो घर था जिसको वो इंक्वायरी के लिए गए थे, वो कौन सा किसका घर था, मिस्टर हाइट का घर था। अब मिस्टर हाइट ऑल्दो जो है वो मिस्टर हेनरी ही था, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दिस वॉज द होम ऑफ हेनरी जैकल्स फेवरेट, यानी कि ये मिस्टर हेनरी जैकल के पसंदीदा का घर था। अब पसंदीदा कौन था, वो मिस्टर हाइट को ही वो पसंदीदा जो है करेक्टर समझता है, किरदार समझता है, और अपने लिए एक पर्सनैलिटी समझता है फेवरेट, ऑफ अ मैन हु वॉज एयर टू अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन स्टर्लिंग। अब वो जो इंसान था जिसके घर वो विजिट के लिए गए, जिसके घर वो तलाशी लेने के लिए गए, जो मिस्टर हाइट का था, वो एक गरीब से इलाके में रहता था, इसलिए था कि हेनरी जैकल के एक नहीं दो घर थे, एक जो था वो मिस्टर हाइट के लिए था और दूसरा जो घर था वो जो हेनरी का घर था वो बहुत लैविश था, और जो हाइट का घर था वो बहुत वीरान जगह पर था, बहुत गरीब इलाके में था, लेकिन उसका घर अंदर से बहुत फर्निश्ड था। अब फर्दर हम पढ़ते हैं कि वो जो आदमी था हु वाज एयर टू अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन स्टर्लिंग। आप कह लें कि क्वार्टर मिलियन, मिलियन जो होता है 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तकरीबन वो 2.5 लाख जो स्टर्लिंग थे उसका वो मालिक था। ये करंसी है जिसको स्टर्लिंग कहा गया है, और वो 2.5 लाख जो स्टर्लिंग थे उसका वो मालिक था। एंड जो हेयर है यहाँ पे, जो वर्ड हेयर जिसको हम प्रोनाउंस एयर करेंगे, ए जो है वो साइलेंट हो जाता है, इसका मतलब होता है कि वो वारिस था अकेला, वो वारिस था, कितने का वारिस था, वो 2.5 लाख स्टर्लिंग का। ये हाइट के मुताबिक जो है बताया जा रहा है कि किस तरह से वो कितने पैसों का वो मालिक था और कहाँ उसका घर था। उसके बाद फिर आते हैं जब इंस्पेक्टर उनके घर जाता है, इंस्पेक्टर और मिस्टर अटरसन, तो फर्दर एक लेडी होती है, वो लेडी कौन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एन आइवरी फेस्ड एंड सिल्वरी हेयर ओल्ड वुमेन ओपन द डोर। अब आइवरी, आइवरी जो होता है वो हाथी दांत को कहते हैं। अब उसका जो रंग होता है उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि उसका जो चेहरा था वो सफेद था। एंड सिल्वरी हेयर, सिल्वरी हेयर किसको कहते हैं, यानी सफेद बालों को। ओल्ड वुमेन ओपन द डोर। अब जो है सफेद बालों वाली और सफेद चेहरे वाली एक औरत थी, जिसने बूढ़ी औरत थी जिसने दरवाजा खोला। एंड शी हैड एन ईवल फेस, और उसका चेहरा जो था वो बहुत ज्यादा ईवल था, बहुत बुरा था। स्मूथ बाय हिपोक्रेसी, यानी कि मुनाफ्त से भरा हुआ था उसका चेहरा। ऑल्दो बट हर मैनर्स वर एक्सीलेंट, यानी लेकिन उसके जो अदाब थे वो बहुत ज्यादा शानदार थे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।